नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया पेपेड ऐप के इस वीडियो में मैं अनुराग दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है जिनका हमें सवाल भी आया था और जो ये जानना चाहते हैं कि क्या न्यूज पोर्टल चलाने के लिए मीडिया की पढ़ाई आवश्यक है या कोई मीडिया का कोर्स करना आवश्यक है। ये सवाल वो लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा जो न्यूज पोर्टल को इन दिनों में बढ़ता हुआ देख रहे हैं और न्यूज पोर्टल की कंटिन्यूसली ग्रोथ देख रहे हैं कि इसमें कितनी जल्दी सफलता पाई जा सकती है और एक अपना बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया जा सकता है। उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा है, तो हम तक ये सवाल पहुंचा था, हमने सोचा ये सवाल का जवाब आप सभी तक पहुंचाया जाए ताकि आपके भी मन में अगर ये सवाल हो तो आपको जानकारी मिल पाए। चलिए दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको अच्छे से जानकारी देने की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल है, आप न्यूज पोर्टल की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना न्यूज पोर्टल बनवा के काम आगे करना चाहते हैं, फील्ड में काम करना चाहते हैं, मीडिया के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और आपके मन में एक सवाल खड़ा होता है कि हमने कोई मीडिया की पढ़ाई नहीं कर रखी है, हमें अगर मीडिया का अनुभव नहीं है, विशेषकर अभी अनुभव की नहीं, यहाँ पर इस वीडियो में टॉपिक जो है वो है शिक्षा। मतलब अगर आपने कोई मीडिया की शिक्षा नहीं ले रखी है, मीडिया का कोई कोर्स नहीं कर रखा है, तो आप न्यूज पोर्टल कैसे चला सकते हैं या न्यूज पोर्टल के क्षेत्र में कैसे काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि न्यूज पोर्टल चलाने के लिए कहीं पर भी यह अनिवार्यता नहीं बताई गई, दिखाई गई है, सरकार द्वारा कोई ऐसी बात नहीं बोली गई है, न ही कोई ऐसे मीडिया में कोई विषय बताया गया है कि न्यूज पोर्टल चलाने के लिए आपको मीडिया की पढ़ाई की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपके सवाल का जवाब तो यही है कि इसके लिए किसी स्पेशली मीडिया की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। अब बात आ जाती है कि फिर किस चीज की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो मीडिया, चूंकि आप मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो मीडिया का कोई भी ऐसा टाइप हो, मीडिया के तीन प्रकार होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेब मीडिया, जिसे न्यू मीडिया भी कहा जाता है। तो आप मीडिया के किसी भी फील्ड में काम करें, सॉरी मीडिया के किसी भी दिशा में, मतलब ये तीन जो पार्ट है उनमें से किसी भी पार्ट में काम करें, तो दोस्तों यहाँ पर अभी की अगर वर्तमान की भी बात करें तो लगभग 70-80% लोग जो पत्रकार है या जर्नलिस्ट है, जो मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके पास में मीडिया की डिग्री या मीडिया का कोई कोर्स उन्होंने नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों, पर वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आवश्यकता होती है, कार्य करते करते भी आप सीख सकते हैं, साथ ही कई सारी चीजें जो मीडिया की है, जो मीडिया के नियम कानून होते हैं, जो मीडिया की आचार संहिता होती है, दिशा निर्देश होते हैं, उन चीजों को जानकर अगर आप काम करेंगे तो आप सफलतापूर्वक अपने काम को कर सकते हैं। न्यूज पोर्टल में काम करें, न्यूज पेपर में काम करें या न्यूज चैनल में काम करें। तो दोस्तों, यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मीडिया से संबंधित, चूंकि न्यूज पोर्टल की यहाँ पर बात हो रही है, तो न्यूज पोर्टल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अगर आपको मीडिया ज्ञान नहीं है तो हमारे चैनल के ऊपर, ई मीडिया वेब एंड ऐप के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मीडिया ज्ञान, तो आप वहां से मीडिया के विषय में कई सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी मीडिया से संबंधित सवाल जानना हो, कोई आपके मन में डाउट हो, तो आप अपना सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999906109। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं अपने नाम के साथ, और SMS भी कर सकते हैं, या फिर आप अपना सवाल हमें मेल आईडी के ऊपर भी हमारे भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है emedia.ind@gmail.com। यहाँ पर दोस्तों, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप एक बेहतरीन सर्विस और सपोर्ट के साथ में अगर अपना खुद का न्यूज पोर्टल हमारे साथ, मतलब ई मीडिया वेब एप के साथ बनवाना चाहते हैं, तो वो भी एक अच्छे सपोर्ट के साथ में, अच्छी गाइडेंस के साथ में न्यूज पोर्टल बनवा सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको अपडेशन और गाइडेंस मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999906109। हमसे कॉन्टेक्ट करके आप अपना बेहतरीन न्यूज पोर्टल बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।